अल्लाह रहमान रहीम। एक इंटरव्यू सेशन है मीर तलाल का। डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस में रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, और जितनी रिटन टेस्ट की इम्पोर्टेंस है उतनी इंटरव्यू की भी है। ठीक है, तमाम कैडेट कॉलेजेस का इंटरव्यू एक ही पैटर्न पे होता है, जिसमें कुछ बेसिक चीजें वो लाजमी पूछते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर योर हॉबीज। क्वेश्चन 3, व्हाट आर योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ स्पीच ऑन अल्लामा इकबाल, कादी आजम, सीपैक। क्वेश्चन 6, मैथमेटिक्स के मेंटल मैथ क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, मैप स्टडी, वर्ल्ड मैप स्टडी। क्वेश्चन 8, पाकिस्तान मैप स्टडी। इस तरह आपके जो पाकिस्तान में रिवर्स है, पाकिस्तान में कौन से सूबे का कौन सा कैपिटल है, बलूचिस्तान के सिटीज के नाम, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन इसके अलावा क्लास 7 के पंजाब के साइंस से भी, या कोई भी साइंस जो क्लास 7-8 लेवल का हो, बेसिक डिफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स टेक स्टार्ट। मीर तलाल, अपना कैमरा ऑन ही रखिएगा। यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज मीर तलाल, माय फादर नेम इज मीर शाबलाल। सर, आई एम फ्रॉम कोलू। सर, आई स्टडीड। सर जी बोले बेटा। क्योंकि मीर तलाल का पहला इंटरव्यू है, इसलिए इसकी करेक्शन भी होगी इस इंटरव्यू के दौरान। जी, आप अपनी हॉबीज बताएं, अपनी खूबियां बताएं, अपनी खामियां बताएं, अपने अचीवमेंट्स बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। दोबारा बेटा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज मीर तलाल, माय फादर नेम इज मीर शाबलाल, आई एम फ्रॉम कोलू डिस्ट्रिक्ट। सर, आई सर आई स्टडीड माय प्रीवियस क्लास फ्रॉम इकरा पब्लिक ग्रामर हाई स्कूल कोलू। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। सर, प्लेइंग क्रिकेट, कलेक्टिंग ब्यूटीफुल रॉक्स। ओके, व्हाट इज योर हु इज योर फेवरेट प्लेयर। सर, शाहिद अफरीदी। एंड व्हाट इज योर फेवरेट गेम। सर, क्रिकेट। आज किस किस का मैच है। सर, PSL में। सर जी जी सर, सॉरी सर, पता नहीं है यार। ये क्या आपका फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। ये लड़कों से मैं पूछ लेता हूँ, आज किस किस का मैच है भाई, ये नहीं पता। चलो शुक्र है आप लोग भी नहीं हो। आज जितने बच्चे क्लास में नहीं आएंगे ना, एबसेंट होंगे, समझ लेना सारे जो है ना पेशावर धर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पेशावर का मैच है। अम्मी अबू में से कौन ज्यादा पसंद है। सर, दोनों पसंद है। सर, दोनों का रुतबा बहुत ही ऊंचा है। अच्छा, चलो दुनिया की चार बड़ी चीजों के नाम बताए। सर, माउंट एवरेस्ट, K2, सर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और बुर्जुल खलीफा। आपकी खूबियां क्या है। सर, खूबसूरत। सर, पत्थर कलेक्ट करना। सर, और सर अपने जो दोस्तों की सर मदद करना, गरीबों की मदद करना। ओके, अपनी खामियां बताएं मुझे। सर, खामियों में सर मैं कभी कभार सर अपनी नमाज कजा करता हूँ, और सर कभी कभार सर थोड़ा झूठ बोलता हूँ। ये नहीं होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में बताना भी नहीं है, ठीक है। आप हमेशा सच बोलेंगे आज से, ठीक है। यस सर, ओके। और बताए खामियां। सर, और खामियां सर मैं कभी कभार सर अम्मी का कहना नहीं मानता। ओके, 300 का 20% कितना होगा। सर, 300 का 20%। जी जी। सर सॉरी सर, मैंने अभी तक सर मेंटल मैथ पे ज्यादा जोर नहीं दिया सर। ओके, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, ये कहाँ पे है यार, इसके इर्द-गिर्द कौन-कौन से शहर है। सर, ये सिब्बी डिवीजन में है सर। इसके इर्द-गिर्द सर रखनी, बारकान है, लोरलाई, दुखी है सर, डेरा बुक्टी भी इससे थोड़ा नजदीक है। अच्छा, आप लोग बलूचिस्तान के रहने वाले हो। यस सर। आपके अब्बू क्या काम करते हैं। सर, मेरे अबू टीचर हैं। किस स्कूल में। सर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कोलू। ओके, और आपकी अम्मी क्या करती है। सर, मेरी अम्मी हाउसवाइफ है मैम। सर, अम्मी की क्या क्वालिफिकेशन है। सर, उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो वो क्यों टीचिंग नहीं करती। बस सर ये पता नहीं है सर, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद सर वो बस हाउसवाइफ। आपके ख्याल में लेडीज को भी ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग करनी चाहिए या घर में हाउसवाइफ बनके रहना चाहिए। नो सर, टीचिंग करनी चाहिए।
आपके बलूचिस्तान में मना तो नहीं है कि औरतों से हमने टीचिंग नहीं करानी? नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं? सर गांव में। गांव में अपना मकान है? यस सर। इस मकान में आप लोग के साथ और भी फैमिली वाले रहते हैं, चाचू चाची या सिर्फ आप लोग रहते हैं? नो नो सर, चाचू चाची ये सर सब रहते हैं एक ही घर में। अच्छा, तो जॉइंट सिस्टम है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है? माइक पे आ जाओ बेटा, माइक ऑफ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ सर कंबाइंड आवाज नहीं आ फैमिली। रही है आपकी। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी अभी मेरी आवाज आ रही है। यार अभी आ रही है। ओके ओके, दुआए कुनूत सुनाए। सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह माइना नस्ताइनु का वना अस्तगफिरु का वना बिनुबे का वना तवक्कल अलैका वनुस्नि अलैकल खैर वनशकुरु का वला नकफुरु का वनखलो वनतरुकु मयफजुरु अल्लाह मैया कनाबदो वलक नसली वनस्जिदो वलैक नसा नाफिदो नरजु रहमत का नक्शा अजाब का इन अजाब का बिल कुफार मुलिक। ओके, 300 का 50% कितना होगा? सर 300 का सर 50% होगा 150। गुड, माशाल्लाह। 2 + 2 / 2 से क्या आएगा? सर 2 + 2 / 2 सर 3। 3। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर इकरा पब्लिक ग्रामर हाई स्कूल। ये गांव में है या शहर में है? सर गांव में है। आपने कहाँ का टेस्ट पास किया हुआ है? सर मिलिट्री कॉलेज सुई का। अच्छा, और इंटरव्यू कब है? सर इंटरव्यू का डेट अभी तक तो नहीं है, लेकिन सर बता रहे हैं शायद मार्च तक हो जाएगा। अगर आपको मैं 5 लाख रुपए दे दूं, गिफ्ट कर दूं आपको, यस तो आप क्या खरीदेंगे? सर मैं कुछ नहीं खरीदूंगा सर, अम्मी अबू को सारे पैसे दे दूंगा। क्यों, अम्मी के पास तो बहुत पैसे हैं, अबू के पास भी बहुत पैसे हैं, अपने लिए कुछ खरीदो ना। सर अपने लिए कुछ बुक्स खरीदूंगा और सर बाकी पैसे अम्मी अबू को दे दूंगा। ओके, मुझे अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बताएं। सर इजिप्ट, सर सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो। अच्छा यार, आप व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मिलिट्री कॉलेज सुई? सर क्योंकि सर मिलिट्री कॉलेज सुई में जाना सर मेरे बचपन का ख्वाब है। सर मैं चाहता हूँ सर उधर से मैं FSC करके सर फौज में जाऊं। माशाल्लाह, तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है? सर जनरल कमर जावेद बाजवा। और पाकिस्तान के नेवल चीफ का नाम क्या है? सर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त यार। आपके दादाजी क्या काम करते हैं? सर मेरे दादा रिटायर्ड कस्टम अफसर हैं। अच्छा, आप अम्मी के साथ मार्केट गए और मार्केट यस। में आप अम्मी के साथ शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन आपने अम्मी को छोड़ा, आप बुक खरीदने चले गए क्योंकि आपको बुक्स पसंद है, और जब आप वापस यस। आए तो आपने देखा कि वो जो शॉप कीपर है वो आपके अम्मी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, यस और आपने खुद देखा, और आपकी अम्मी यस। जो है वो जान छुड़ाना चाहती है लेकिन वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रही, तो आप क्या करोगे? सर मैं किसी बड़े को बताऊंगा ताकि वो जाके उस शॉपकीपर को बताए, शॉपकीपर से जाके थोड़ा लड़ाई करे या कोई पुलिस को बुलाए। अच्छा, आपके हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ में पिस्टल है और मुंह में सीटी है, तो आप किसका यूज करेंगे? यस सर। सर रिपीट करें क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ उसी टाइम जब आप शॉप में अंदर गए तो एक हाथ में आपका जो है ना डंडा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में पिस्टल है जिससे लोग मारते हैं ना, यस। पिस्टल, और मुंह में सीटी यस। है, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? सर डंडे का। डंडे का यूज करेंगे? क्यों, आप सीटी भी तो बजा सकते हैं सर, लोगों को बुलाने के लिए। सर लोग सर कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं सर, इसलिए मैं डंडे का यूज करके सर उस शॉपकीपर को मारूंगा। ठीक है, तो दूसरों को मारना अच्छी बात है? नो सर अच्छी बात नहीं है, लेकिन सर बदतमीजी भी अच्छी बात नहीं है इस वजह से सर। हाँ, गुड आंसर, बेटा शाबाश। कैसे दोस्त है आपके? सर अच्छे दोस्त है सर। अपनी दोस्तों में से कोई खामी बता दे। सर वो खामी सर उनमें ज्यादा नहीं है सर, थोड़ा वो झूठ बोलते हैं। अपने शहर के बारे में कुछ बताओ यार, ये
कैसा शहर है और यहाँ का क्या मशहूर है, डिस्ट्रिक्ट का बताओ, फिर गांव के बारे में कुछ बताओ। यस सर, सर ये कोलू जो है सर सभी डिवीजन में है सर। कोलू का मौसम सर बहुत ही खुशगवार रहता है सर, 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर सर्दी रहती है सर। यहाँ के मशहूर पकवानों में सज्जी, लांदी, खड़ी कबाब, दम पोख्त, और सर यहाँ पे जो सर फ्रूट उगते हैं सर उनमें अनार है सर, अनार है और सेब है सर, माल्टा है सर, और सर यहाँ पे जो ज्यादातर फसलें हैं सर उनमें वीट और कपास बहुत ज्यादा उगती है सर यहाँ पे। ठीक है मीर तलाल, आप मैथमेटिक्स पे जरा मेहनत कर लो, बाकी तो माशाल्लाह आप इंटरव्यू के लिहाज से 100% कंफर्म हो के इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेल मी सम ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। सर अ गुड सिटीजन ऑलवेज हेल्प हिज सराउंडिंग सर, ऑलवेज सर कभी भी उधर कचरा ना फेंके अपने सर शहर में सर, दूसरों का ख्याल रखे, गरीबों की मदद करे, और जब कोई कोई मुश्किल में सर उसकी मदद करे। हु इज योर फेवरेट टीचर? सर सर अब्दुल हक। वो क्या पढ़ाते हैं? सर वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मुझे बता सकते हैं प्रीपोजिशन क्या बला है, व्हाट इज प्रीपोजिशन? सर प्रीपोजिशन सर उसका यूज करना आता है सर, इसका डेफिनेशन सही से नहीं आता मुझे। डेफिनेशन सुनाओ सर, डेफिनेशन सर सॉरी सर नहीं आता सही से। पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है? यस सर, ओके इंशाल्लाह। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? सर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। नो 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 नो, आप लगता है मेरे मेरे जो इंटरव्यूज के लेक्चर थे वो आपने नहीं देखे वीडियोस? नो सर देखे हैं सर, देखे तो मैंने काफी लड़कों से इंटरव्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा था। देखिए वो ब्रीथिंग है जो तुम बता रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके जरिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के जरिए फूड को बर्न करके एनर्जी बनाते हैं, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और उसकी फर्दर डिटेल में आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि यार फूड को बर्न किया जाता है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फूड को बर्न करेगा तो उस दौरान वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? यस सर, यस। सेल के ऑर्गेनल्स के नाम बताएं। यस सर, रिपीट सर क्वेश्चन। सेल के ऑर्गेनल्स के नाम बताएं। सर क्या सर, सेल के ऑर्गन? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स सर मतलब ये समझ में नहीं आया। आप किस क्लास में हो? सर मैं अभी 7th का एग्जाम दे दिया है इधर सर, अभी 8th में इंशाल्लाह जाऊंगा। तो आपको 7th की चीजें तो आनी चाहिए ना जी। आप बताएं भाई सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? हाँ, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये नहीं सुने कभी पहले? सुने हैं सर, ऐसे नहीं पता सर सेल के ऑर्गेन्स। अच्छा चलो, ये सेल के ऑर्गेनल्स याद रख लेना, ठीक है? और इनमें से मैंने जो अभी क्वेश्चन करना था वो ये करना था कि वो कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनल है? यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 400 का 60% कितना होगा? सर 400 का 60% सर 240। माशाल्लाह, शॉर्टकट बता दूं? यस सर। 400 में से ना दो जीरो को भूल जाओ, ये सिर्फ 4 समझ लेना। यस सर। और 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 are 24 और 1 0 60 वाला लग जाएगा तो 240। ठीक है? यस सर। ओके, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर? बिकॉज सर आर्मी इज माई एम सर, मैं आर्मी में जाकर सर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? सर लंदन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सर सॉरी सर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? सर ओटावा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? सर ढाका। माशाल्लाह, वेल डन, शाबाश। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? सर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो। और गवर्नर बलूचिस्तान कौन है? सर ज़हूर अहमद आगा। माशाल्लाह। पाकिस्तान की प्रेसिडेंट कौन है? सर आरिफ अलवी, आरिफ रहमान अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर इमरान खान।
आपको इमरान खान पसंद है नहीं पसंद? सर पसंद है। क्यों, लोगों को क्यों नहीं पसंद यार? लोग कहते हैं यार इसने महंगाई कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, आपको क्यों पसंद है? नो सर, इसलिए सर मुझे पसंद है वो, सर अपने मफाद के लिए नहीं सर, अपने मुल्क के लिए मफा, अपने मुल्क के मफाद के लिए सर सब कुछ करता है सर, वो बहुत ही ईमानदार है सर, इस वजह सर बाकी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सर अपने मफाद के लिए सब कुछ किया। ओके, 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे बलूचिस्तान के एक सिटी में, यानी वो एक जगह थी, उस जगह का नाम क्या है? सर चागी। चागी, यार माशाल्लाह मैंने अपने कैरियर में ऐसे इंटरव्यू नहीं देखा कि जो पहली दफा ही इतना अच्छा इंटरव्यू दे रहा हो, हालांकि लोग अच्छे इंटरव्यू देते हैं लेकिन वो दूसरी तीसरी दफा, तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा है माशाल्लाह, और इसी तरह आपने वहां पे भी इंटरव्यू देना है, बस मैथमेटिक्स की आप कोशिश कर लेना। और ये बताइए कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज पाकिस्तान के किस साइड पे है? सर साउथ अमेरिकन कंट्रीज सर साउथ वेस्ट, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है सर। साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बताएं। सर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सर अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैरागुआ सर, चिली और क्यू सर क्यूबा और अर्जेंटीना, ब्राजील। अच्छा ये बताएं कि ये ओजोन लेयर क्या बला है, व्हाट इज ओजोन? सर सर ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर सर व्हिच प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। ओके एक्सीलेंट, माशाल्लाह जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और इसी तरह मेहनत करना, और मैथमेटिक्स के आपने प्रैक्टिस करके शाम 8 बजे तक मुझे रजिस्टर पे अपनी प्रैक्टिस भिजवानी है, जितनी भी मेंटल मैन के अंदर मैंने क्वेश्चंस किए हैं उस वीडियो में, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो है मेंटल मैथ की, वो भी मैं आपसे लिंक शेयर कर लेता हूँ, तो वो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले ताकि आप शॉर्टकट में बता सके, क्योंकि आज मैंने आपसे मैथ के क्वेश्चन नहीं किए, वो शाम 8 बजे तक आपने मुझे भिजवाने हैं, ठीक है? यस सर, यस। और आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपके जो ज्यादातर वीडियोस थे सर वो पीएफ कॉलेज सरगोधा के बारे में थे, और सर मेरा मिलिट्री कॉलेज सुई का टेस्ट है सर, इनमें कोई फर्क तो नहीं होगा इंटरव्यूज में? मैंने शुरू में ही बता दिया आपको आई थिंक पहले 2 मिनट में कि तमाम कॉलेजेस के इंटरव्यू एक ही पैटर्न पे होते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट यही होगा जो कि मैंने आपसे आज के इंटरव्यू में ले लिया। अब समझ आ गई कहानी? यस तमाम के तमाम इंटरव्यूज इन्हीं बातों के ऊपर है जो कि मेरे वीडियोस में मौजूद है, इससे हटकर बिल्कुल नहीं होगा। आप इंटरव्यू जब दे देंगे तो उसी दिन भी आप मुझे बता देंगे कि वाकई ऐसा ही था। ओके यस यस, क्योंकि मैं फोकस रखता हूँ इसलिए पीएफ कॉलेज सरगोधा लोटोपा, क्योंकि मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स ही सरगोधा लोटोपा के होते हैं, इसलिए मैं उस वीडियो को नाम दे देता हूँ सरगोधा लोटोपा। हालांकि अगर मेरे पास सुई के स्टूडेंट्स होते तो मैं वही क्वेश्चन सुई के स्टूडेंट से पूछ लेता और YouTube पे लिख देते यार ये सुई का इंटरव्यू है, जैसे आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपका इंटरव्यू है इंशाल्लाह, तो मैं इसको लिख लूंगा मिलिट्री कॉलेज सुई का इंटरव्यू है ये, ठीक है? तो हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं सुई वाले साइड से, तो उस वजह से सरगोधा लोटोपा या मिलिट्री कॉलेज जेलम का नाम इसको दे देता हूँ, अदरवाइज तमाम के तमाम इंटरव्यू का सेशन बिल्कुल सेम रहता है। ओके मीर तलाल, वेरी गुड यार जी सर, और जब भी मैं बलूचिस्तान आया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है जी सर इंशाल्लाह। सिब्बी डिवीजन ना, चलो सिब्बी आया तो मेरे पास आपका नंबर सेव होगा, आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह जरूर। ओके जी सर इंशाल्लाह। ओके थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।